हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से बोलते हुए कहा कि सर पर जो पगड़ी रखी है यह सम्मान मेरा नहीं बड़ौदा की सरदारी है। 2014 पहले से स्थिति देश में भ्रष्टाचार था, गर्मी में बिजली देखने को नहीं मिलती थी, कांग्रेस का विकास में नहीं भ्रष्टाचार में विश्वास था, देश के लोग सोचते थे कांग्रेस से कैसे छुटकारा मिले। 2024 में कांग्रेस 272 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज देश के लोग इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, यहाँ अपनी डफली अपना अपना राग नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का कार्य दंगे करने का रहा है, कांग्रेस की नीति आपस में लड़ाने की रही है और लड़ाकर भय पैदा करने की नीति रही है। आज मोदी के हाथ में देश इससे सुरक्षित है। उन्होंने कहा, मोहनलाल बड़ोली मेरा भाई है, बड़ौदा का कोई भी काम होगा वह काम होगा और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने झूठ बोला कि 1,00,000 गरीब लोगों के खाते में पहुंचाएंगे, वोट लेने का एक षड्यंत्र करते हैं, राहुल गांधी की कैलकुलेशन ठीक नहीं है, झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के झूठ के कारण राजस्थान में 4,000 किसानों ने आत्महत्या की, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि सभी किसानों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। कांग्रेस के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के अनुरूप ही काम किए हैं। आने वाले समय में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में पंडितों के साथ अत्याचार किया है, देश की जनता कांग्रेस का सच पूर्ण रूप से जान चुकी है। कहा उस सुनने का क्या फायदा जो सुनना कान को फाड़ दे, ये बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्गों की कहावत है। भाइयों, रामविलास जी कह रहे थे हमारे ब्रह्मचारी जी हमारे भी मित्र हैं, परंतु ऐसी पार्टी के अंदर चिपट गए जिसने देश को लूटने का काम कर रही है, जो देश के अंदर दंगे कराने का काम करती है, उसका इतिहास हमारे सामने है, हम देखते हैं। एक वोट के लिए भाइयों उनके पास कोई नीति या कोई विजन नहीं है। इस देश के लिए अगर कोई नीति विजन है कि लोगों को लड़ाओ और लड़ा करके भय पैदा करो, भय पैदा करके वोट बटोरने का काम करो, ये कांग्रेस की नीति है और इसको हम लंबे समय से देख रहे हैं। भाइयों, चाहे 84 के दंगे की बात है, 84 के अंदर किस प्रकार के दंगे हुए, मुझे ध्यान में है अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस दुनिया में नहीं है। अरे उस समय के अंदर ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, जब 84 के दंगों में सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, अटल जी एक कमरे के अंदर थे, उनके पास देखा नहीं गया। अटल जी लाठी लेकर के बाहर निकले कि कौन है जो इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पहले मेरे ऊपर हाथ उठाए फिर मैं इनके ऊपर, कोई अगर हिम्मत रखेगा जब मैं मेरी लाश से गुजरेगा तो मैं फिर इनके आगे जाने दूंगा। भाई ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा नेता था जिनके अंदर पीड़ाएं थी, परंतु ये लोग देश को तोड़ने के लिए कैसे कैसे लोगों के बीच में जाकर के समर्थन करते हैं। भाइयों, हमने वो समय देखा है, ये धारा 370 कितने लंबे समय से जिसकी रामविलास जी ने बात की है। अरे उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस ने किए। अरे वो व्यक्ति, वो यासीन मलिक जिसने कश्मीर की घाटी में तबाही को मचाया, और भाइयों वो व्यक्ति दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाता है और वो बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें, इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं हो सकती। भाइयों, जिन्होंने वहां कश्मीर की घाटी को खाली करने का काम किया है, और वो व्यक्ति, वो ऐसा जो अलगाववाद की नीति को अपनाता था, जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर चलता था, पाकिस्तान के इशारे के ऊपर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता था, और ये पोस्टर लगा करके बोलता है कि कांग्रेस को वोट दे। अरे किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, देश की क्या दुर्दशा करना चाहते हैं। परंतु विकास के अंदर विश्वास नहीं था और इस कारण से देश के लोग आहत थे, देश के लोग सोचते थे कि कैसे कांग्रेस से छुटकारा मिले और कोई ऐसा नेतृत्व आए जो इस देश की डगमगाती हुई नैया को वो पार कर सके। और भाइयों, आप लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। मुझे यह बताते हुए
आप लोगों के बीच में यह बड़ी खुशी भी हो रही है। आदरणीय रामविलास जी बोल रहे थे कि कांग्रेस को राम नाम सत्य बोलना है, ये कहना है, और आज उस दिशा के अंदर जा भी रहे। रामविलास जी की बात वो सत्य हो रही है। 2014 में मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी एनडीए भाइयों 543 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी 464 सीटों पे चुनाव लड़ी। जब 2019 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी आप सब के आशीर्वाद से 543 सीटों पे चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और मुझे खुशी है देश ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीटें दी, एनडीए को 325 दी। जब 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के बाद आप लोगों ने 303 सीटें दी और एनडीए को 353 सीटें देने का काम किया है। और भाई आज मैं देखता हूं, आज 2024, आज कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने का दम भर रही है। भाइयों कैसे 272 सीटों पे सरकार बना सकती है? 272 सीटें तो चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तब जाकर के वो सरकार बनती है। परंतु चुनावी 272 पर लड़ रहे हैं तो कैसे भाइयों वो सरकार कदम भर रहे हैं? वो इधर उधर देख रहे हैं, घमंडीय गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग भाइयों बजा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। एक मेरे ध्यान में कहावत आती है जो घमंडीय गठबंधन की है, वो घमंडीय गठबंधन की कहावत इस प्रकार की है, कुछ लोग नाव के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, एक व्यक्ति उनके बीच से उठा और उठ करके अलग बैठ गया और अलग बैठ करके नाव में छेक करना शुरू कर दिया। और जब दूसरे लोगों ने उसको देखा कि ये नाव में छेक कर रहा है, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये नाव डूब जाएगी, इसमें पानी भर जाएगा। और वो कहने लगा, ये तो मेरी जगह है, आपने क्या लेना, मैं छेक करूं, कुछ भी करूं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।